खनियाधाना को जिला बनाने की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही है। जिला केंद्र से अधिक दूरी होने के कारण खनियाधाना क्षेत्र में किसान और व्यापारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं यदि कोई आम नागरिक गंभीर घायल या बीमार हो जाता है तो उसे स्वास्थ्य केंद्र खनियाधाना से जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया जाता है, लेकिन अधिक दूर होने की वजह से कई घायल और बीमार क्षेत्र वासियों की बिना इलाज के ही मौत हो चुकी है। ऐसे ही अन्य कई परेशानियों को देखते हुए खनियाधाना एवं पिछोर क्षेत्र के हजारों युवाओं ने पंजाब सिंह यादव की अगुवाई में जिला बनाओ संघर्ष समिति का निर्माण कर विगत 10 दिनों में क्षेत्र के दर्जनों गांव में जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया और लोगों को अपने इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इसी क्रम में आज सैकड़ों युवाओं को साथ लेकर पंजाब सिंह यादव ने खनियाधाना नगर में हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें नगर के वरिष्ठ एवं गणमान्य नागरिकों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? मैं बलवीर राजपूत। बलवीर भाई, आप ये पंजाब सिंह भाई साहब जी के साथ में अभियान में हैं, तो आपका क्या मानना है, खनियाधाना जिला बनना चाहिए? बिल्कुल बनेगा, और ये अकेले भाई साहब की आवाज़ नहीं है, उनके साथ उनके पीछे हजारों युवा साथ में चल रहे हैं और हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हमारा तो नारा ही बन गया, कदम से कदम मिलाना होगा, कदम से कदम मिलाना होगा, खनियाधाना जिला बनाओ संघर्ष समिति के तत्वान में पिछोर खनियाधाना को जिला बनाने की मुहिम चलाई जा रही है। जो गांव-गांव हमारी नौजवान टीम जो संघर्ष समिति के सदस्य हैं वो गांव-गांव जाकर लोगों को बता रहे हैं, और इससे मैं समझता हूं कि अभी हम 7-8वां दिन हैं। इन 8 दिन में एक गांव में कम से कम एक दिन में हम लोगों ने 7 से 8 हज़ार इतने लगभग हस्ताक्षर कराए, और लोगों के दिमाग में लोग ये कह रहे हैं कि आप तो हमें जहाँ कहो जैसे कहो हमें संघर्ष के लिए जिला बनाने के लिए हम हर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। भाई साहब, अगर ये सारा अभियान देखने के बाद भी प्रशासन कोई कड़ा कदम नहीं उठा रहा है, जिला नहीं बना रहा है, तो ऐसे में आप फिर आगे क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? हमारा मकसद है कि ये जन जन की आवाज़ बने। शायद हम लोग आवाज़ उठाएं तो लोगों को ये लगे कि कोई राजनीतिक मकसद तो नहीं इनका। चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं हमारा कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, और ये लोगों को विश्वास भी है, और लोगों के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इतने बड़ी विधानसभा में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की मशीन नहीं है खनियाधाने में, और इससे निचले स्तर पर और कमी हम क्या बता सकते हैं। इसलिए हर आम आदमी चाहता, अगर जिला बनेगा तो किसान की ज़मीन की कीमत बढ़ेगी, जिला बनेगा तो बड़े बड़े डिग्री कॉलेज होंगे, बेटियों को भोपाल और ग्वालियर से पूरी नहीं जाना पड़ेगा, जिला बनेगा तो यहीं पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, जिला बनेगा तो कलेक्टर भी आपको यहीं जाना पड़ेंगे। 125 किलोमीटर के चक्कर से बचने के साथ साथ एक अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ रेलवे लाइन खुलने की भी उम्मीद आपको मिलेगी यहाँ पर। अभी तक भाई जब खनियाधाना क्षेत्र में ये पूरा अभियान चल रहा है, इसको पिछोर क्षेत्र में ले जाने का आपका कोई विचार? अभी खनियाधाना लगभग रह गया, दूसरे सत्र में जैसे ही बारिश हो गई है दूसरे सत्र में हम खनियाधाना निपटाएंगे, और तीसरे सत्र में हम पिछोर, तो हर एक गांव तक हर एक घर तक पहुंचेंगे हम। जब तक हम घर तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक लोगों को नहीं समझा पाएंगे, तब तक अभी ना तो हम शासन प्रशासन को देखना है कि लोग क्या मांग रहे हैं। चैनल के माध्यम से कहना चाहते कि ये व्यापारियों की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, नौजवानों की आवाज़ है, युवाओं की आवाज़, और ये आवाज़ एक दिन इतनी ताकत से उठेगी कि बड़ी बड़ी सरकारों को भी, लोगों को भी, बड़े बड़े नेताओं को भी इस आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलानी होगी। जिस दिन सबकी आवाज़ मिल जाएगी, जिला बनाना कोई बड़ी बात नहीं, उस दिन जिला बन जाएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।